वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो 11th से लेकर 12th या फिर नीट या फिर RPSC या फिर उससे अदर रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जनरल साइंस के रूप में कहीं ना कहीं पर इससे संबंधित या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम इजी गोइंग वे में अटेम्प्ट कर सकें, उसके लिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपका वीडियो बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो हिंदी के अंदर बात करें तो मॉर्फोलॉजी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आकारिकी, और जैसे कि हम हिंदी में इजी गोइंग वे में बताएंगे कि आकारिकी क्या होती है, किसी भी मतलब चीज़ की आकार की अध्ययन करना, आकार का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, आकारिकी कहलाएगा। तो सेम अपने को इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करना है कि मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि किसी प्लांट की हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसके लीव्स कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसका रूट कैसी है, इन सब करेक्टर्स की स्टडी करना, दिस इज द कॉल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट पार्ट। तो हम यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इन रेफरेंस टू रूट्स के लिए कर रहे हैं। आगे जाके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अ रूट, देन फर्स्ट इज द रूट इज द डिफाइंड एज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। जो रूट है वो प्लांट एक्सिस का डिसेंडिंग पार्ट होता है, मीन नीचे की तरफ ग्रोथ करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्लांट पार्ट है या सीड है, और सीड आगे जाके ऊपर की भी एक्सिस बनाएगा और नीचे की भी एक्सिस बनाएगा। ये एक्सिस कहलाएगी असेंडिंग एक्सिस और ये कहलाएगी डिसेंडिंग एक्सिस। तो यही आगे जाके रूट को डेवलप करेंगे, और यानी कि जो रूट है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट एक्सिस का। इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इट इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। जब हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात की, ये 10th क्लास का बेसिक सा क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको कोई ना कोई स्टिमुलस देना पड़ता है। जैसे कभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, कभी हमने वाटर दिया, कभी हमने लाइट दी। तो इन स्टिमुलस के लिए जो पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो कि मतलब अर्थ लगा रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे कि रूट्स हैं वो तो ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ जाएंगी, और जो स्टेम है वो ग्रेविटेशन फोर्स से दूर जाएगा। तो जो रूट्स हैं वो तो कहलाएंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और जो स्टेम है वो कहलाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो इस तरीके से अगर हम एक प्लांट की बात करें, सपोज दैट ये प्लांट है और इसकी रूट्स निकल रही हैं, अगर ये इसका सबस्ट्रेटम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो ये जो होंगी रूट्स वो होंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट उसके बाद में करें कि रूट्स जो है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी होती हैं। वो कैसे, आपको पता है कि जितना भी वाटर अवेलेबल होता है वो सारा कहाँ पर होता है, ज़मीन में होता है, सॉइल के अंदर होता है। तो रूट्स जो हैं वाटर की तरफ मूव करती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हैं। और अगर हम बात करें कि ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हैं तो क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, और सनलाइट जो है उसकी तरफ जो ग्रोथ कर रहा है वो शूट कर रहा है, जबकि रूट्स उससे विपरीत जा रही हैं, इसलिए रूट्स जो हैं वो कहलाती हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अगर हम सीड जर्मिनेशन की बात करें, जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, ये डायकॉटलेडन जो सीड्स होते हैं जिनके अंदर दो कॉटलेडन्स पाए जाते हैं उसका डायग्राम है। जब हमने इसकी स्टडी की माइक्रोस्कोप में तो हमें इसमें तीन पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। ये तो इसके दो कॉटलेडन्स हैं। व्हाट आर द कॉटलेडन्स, कॉटलेडन्स आर द सीड लीव्स विच स्टोर पर्टिकुलर फूड मटीरियल। सीड की जो लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको कहते हैं कॉटलेडन, और इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है। और यहाँ देखिए ये जो अपर एक्सिस है वो तो है प्लूम्यूल, और जो लोअर एक्सिस है वो है रेडिकल। तो प्लूम्यूल तो फ्यूचर में जाके शूट प्रोड्यूस करेगा, और रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट प्रोड्यूस करेगा। शूट का मतलब होता है स्टेम प्लस लीव्स। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों के डिफरेंस अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट की बात कर रहे हैं तो इनका फॉर्मेशन किससे होता है। फ्यूचर शूट बनता है प्लूम्यूल से, और फ्यूचर रूट बनती है रेडिकल से। तो यहाँ पे जो रेडिकल है वो जाके आगे क्या बनाएगी, सीड जर्मिनेशन के दौरान रूट बनाएगी। रूट्स आर जनरली नॉन ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल। अगर हम बात करें रूट्स की तो रूट्स के अंदर हम बात करें ग्रीन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल एब्सेंस होता है, इसी कारण उनका जो कलर है वो नॉन ग्रीन हम काउंट करते हैं, और उनका जो शेप है पर्टिकुलर वो होता है सिलेंड्रिकल।
दे प्रोड्यूस ओनली सिमिलर ऑर्गन एग्जाम्पल सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स. अब क्या होता है कि जो सपोज दैट इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी रूट, जो एक पहला एक्सेस बना उसको हमने बोला प्राइमरी रूट. तो प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकलेंगी वो हो जाएंगी सेकेंडरी रूट, और फिर इनसे भी जो आगे जाके रूट्स निकलेंगी वो कहलाएंगी टर्शरी रूट्स. तो इस तरीके से जो प्राइमरी रूट्स हैं वो आगे जाके बनाएंगी सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी जो है वो बनाएंगी टर्शरी रूट्स. दे डू नॉट शो नोड्स एंड इंटर नोड्स. अब अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट का एक बेसिक डिफरेंस बताइए, तो आप एक वन वर्ड के अंदर या एक लाइन के अंदर इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होती हैं जबकि रूट्स के ऊपर नोड और इंटरनोड नहीं होती. अब ये नोड और इंटरनोड होती क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेम है और इस स्टेम में से एक लीफ यहाँ से निकली और दूसरी लीफ यहाँ से निकली, तो वो पोर्शन किसी भी स्टेम का वो पोर्शन जहाँ से पर्टिकुलर वो लीफ निकलती है ओरिजिनेट होती है उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम कहते हैं नोड. और दो नोड के बीच का जो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको इसको कहते हैं इंटरनोड. यानी कि किसी भी स्टेम में नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस होती है जबकि रूट में नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस नहीं होती. यहाँ ये डायग्राम आपको शो किया गया है जिसमें प्राइमरी रूट्स आपको शो हुई हैं, सेकेंडरी रूट्स शो कर रखी हैं और टर्शरी रूट्स भी इसमें शो कर रखी हैं. नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स के ऊपर, और पर्टिकुलर हम इसको एनाटॉमी भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये इंटरनल जो सेक्शंस हैं जैसे कि ये जो यहाँ पे ये दिखा रखा है तो ये इंटरनल सेक्शंस आपको माइक्रोस्कोप में ही सेक्शन लेके देखने पड़ेंगे, जबकि ये आपको जो है मॉर्फोलॉजी दिखा रखी है जो बाहर से भी आपको शो हो जाएगी. तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ रीजंस होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं. तो रूट का पहला जो रीजन कहलाता है वो कहलाता है रूट कैप. उसके बाद में एपिकल मेरिस्टेम यानी कि रूट ऑफ सॉरी मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेकंड जो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और थर्ड होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन. सिर्फ नाम से हम समझते हैं कि रीजन ऑफ जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, तो आपको पता है मेरिस्टेम जो टिश्यू है, नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, लाइफ टाइम लाइफ थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन करता है. यानी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद इलोंगेशन जो है उसमें सेल्स अपनी ग्रोथ करेंगी लेंथ में इस तरीके से, और जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसमें सेल डिवीजन स्टॉप होगा और पर्टिकुलर सेल्स कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगी. तो इस तरीके से तीन रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन. जो सेल्स यहाँ पे न्यू फॉर्म होती जा रही है उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रूट कैप, जो आगे जाके इन न्यूली फॉर्म्ड जो सेल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है. इसके बाद में एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में आपको आउटर मोस्ट एपिडर्मिस हो रहा है, फिर कॉर्टेक्स हो रहा है, फिर फ्लोएम फ्लैजाइलम जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, इस तरीके से डायग्राम आपको बताया गया है. अब हम इसकी थ्योरी पे आते हैं. पहला जो है रीजन है रूट कैप. द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड विद मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप. टेंडर अपेक्स का मतलब ये वाला अपेक्स, जो अपेक्स है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है जिसको रूट कैप कहते हैं. द सेल्स ऑफ रूट कैप सीक्रेट म्यूसिलेज. ये म्यूसिलेज सीक्रेट करता है. म्यूसिलेज क्या है, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिससे किसी भी चीज की सरफेस को हम चिपचिपा बना सकते हैं. जो रूट कैप है वो म्यूसिलेज सीक्रेट करता है फॉर लुब्रिकेटिंग ऑफ द पैसेज ऑफ द रूट थ्रू द सॉइल, ताकि पैसेज कैसा हो जाए, लुब्रिकेट चिपचिपा हो जाए और सॉइल के अंदर रूट आसानी से एंटर कर पाए. इन मैनी हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया एंड डायकॉर्निया रूट कैप इज रिप्लेस बाय रूट पॉकेट. तो जो बहुत सारे ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं, जलीय पादप हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है पिस्टिया. पिस्टिया के लिए जो दूसरा नाम है इंपॉर्टेंट वो है वाटर लेट्यूस. याद रखिएगा वाटर लेट्यूस, वाटर लेट्यूस ये पिस्टिया का नाम है. और जो आइकॉर्निया है इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं. तो ये जो दोनों ही प्लांट स्पीशीज हैं इनके अंदर जो रूट कैप है वो रिप्लेस हो जाएगा रूट पॉकेट के द्वारा. ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रूट पॉकेट किस में पाए जाते हैं. अगर आपको ऑप्शन में हाइड्रोफाइट प्लांट्स मिल रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए, या फिर पिस्टिया और आइकॉर्निया या वाटर लेट्यूस या फिर टेरर ऑफ बंगाल में से कोई सा आपको मिल रहा है ऑप्शन तो आप उसको पिक कीजिए. सेकेंड जो रीजन है वो है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मैस्टमेटिक रीजन. इट इज अ स्मॉल रीजन अबाउट 1 mm इन लेंथ. इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ओनली 1 mm होती है. दिस इज द ग्रोविंग पार्ट ऑफ द रूट एंड इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप. ग्रोविंग इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ डिवीजन करती हैं, इनकी प्रोटेक्शन की जाती है रूट कैप के द्वारा. इट इज मेडअप ऑफ थिन वाल कम्पैक्टली अरेंज एंड मेस्टमेटिक सेल विच हैव पावर ऑफ डिवीजन. ये थिन वाल होती हैं, सेलुलोज यहाँ पे बहुत कम होता है और कंटिन्यू ग्रो करती हैं क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टम एक्टिविटी करता है और डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है.
द रीजन हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल. इसके थ्रू जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का मतलब ऊपर नीचे अपर अप टू डाउन, जो भी कोई प्लांट है वो लेंथ में जो इंक्रीज करेगा वो इसी कारण से करेगा. रीजन ऑफ एलॉन्गेशन की बात करें, इट लाइज जस्ट अबाउट द मेरिस्टमेटिक रीजन. ये बिल्कुल मेरिस्टमेटिक रीजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म एंड दे इलोंगेट रैपिडली. उनकी जो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है. दिस इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, और इस तरीके से रूट की भी लंबाई इंक्रीज होती है. द सेल्स ऑफ दिस रीजन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड साल्ट. और ये जो सेल्स हैं वो मिनरल और सॉल्ट को जमीन से एब्जॉर्ब करने का रोल प्ले करती है. नेक्स्ट जो है वो है रीजन ऑफ रूट हेयर एंड रूट एब्जॉर्प्शन. तो सरफेस ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड विद न्यूमरस रूट हेयर्स. जो ये सरफेस है जहां से एलोंगेशन और मतलब ये एक्टिव एरिया था, वहां से बहुत ज्यादा जो है रूट हेयर्स निकलते हैं. द सेल्स ऑफ द आउटर लेयर नोन एज पिलीफेरस लेयर. और जो ये लेयर है बाहर वाली वो कहलाती है पिलीफेरस लेयर, और या फिर इसको नाम देते हैं हम एपिब्लेमा. और जो ये एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर है ये एक्चुअल में रूट हेयर से ही बनती है. द रूट हेयर आर एलोंगेटेड सिंगल सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. तो याद रखिए लंबे लंबे होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो सॉइल पार्टिकल्स के कंटेक्ट में रहते हैं. रूट हेयर इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वॉट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स. रूट हेयर्स इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन करने के एरिया को इंक्रीज कर देते हैं रूट हेयर्स. दे आर शॉर्ट लिव एंड आर रिप्लेस बाय न्यू रूट हेयर्स आफ्टर एवरी 10 to 15 days. हर 10 से 15 दिन में पुराने वाले रूट हेयर मतलब पुराने वाले रूट हेयर्स का कंपनसेशन करके नए वाले रूट हेयर्स डेवलप होते रहते हैं एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. नेक्स्ट रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. इन फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द रूट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन है थिक वॉल इम्परमेबल सेल. ये सेल्स थिक वॉल हो जाती हैं, सेलुलोज बहुत ज़्यादा आ जाता है, वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है, पानी उसमें से आ जा नहीं सकता. द एनलार्ज सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन. इनके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, मतलब वो सेल्स डिवीजन को रोककर अपना पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करने लग जाती है, पर्टिकुलर अपना काम करने लग जाती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी रूट टिश्यू लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम. तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके सारे के सारे, जैसे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा. दिस रीजन हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी इन टू द सॉइल. और इस रीजन के कारण जो प्लांट बॉडी है वो सॉइल में फिक्स होती है और कंडक्शन करती है एब्जॉर्ब किए गए सब्सटेंसेस का. अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ रूट्स के ऊपर कि रूट के फंक्शन क्या क्या हैं. तो रूट का दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी जो हमें करना ही करना है, एक होता है सेकेंडरी जो हम उसके अलावा भी करते हैं. जैसे सपोज दैट स्टडी करना, पढ़ना एक स्टूडेंट का प्राइमरी फंक्शन है कि एक स्टूडेंट होने के नाते उसको स्टडी करनी ही है. दिस इज देयर फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन. लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते वो गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, वो अपने घर की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करेगा, अपनी सोशल लाइफ को भी कैरी ऑन करेगा. तो वो जो फंक्शन होते हैं उसके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. तो रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रूट आर फिक्सेशन और एंकरेज. सबसे पहले बात है कि प्लांट जो है वो जमीन में फिक्स रहता है किसके कारण? रूट के कारण. सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. पानी का एब्जॉर्प्शन किसके कारण होता है? रूट के कारण. मिनरल जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किसके कारण होते हैं? रूट के कारण. और जितने भी एब्जॉर्ब मटेरियल है उनका कंडक्शन भी किसके कारण होता है? रूट के कारण. कहां तक? स्टेम तक. सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो इन सम प्लांट रूट परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शन इन सच रूट अंडरगो नेसेसरी मॉडिफिकेशन. कुछ कुछ कभी कभी रूट्स अपने प्राइमरी काम को छोड़कर सेकेंडरी काम करने लग जाती हैं और अपने रूप का परिवर्तन कर लेती हैं. मॉडिफिकेशन मतलब परिवर्तन. सम रूट्स बिकम फ्लैशी. कुछ रूट्स बहुत ज़्यादा गुदेदार हो जाती हैं. फ्लैशी का मतलब गुदेदार, मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं और स्टोर करती हैं फूड मटेरियल्स को, जैसे कि कैरेट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली, एस्पेगर्स यानी कि शतावर, स्वीट पोटैटो आपकी शकरकंद, डहलिया, ये भी एक खाने का ऑर्नामेंटल प्लांट है. तो इस तरीके से इनके अंदर जो ये रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं फूड को स्टोर करके. ये तो ये भी मॉडिफिकेशन है फॉर देयर फूड स्टोरेज. नेक्स्ट है आफ्टर बिकमिंग ग्रीन. कभी कभी ये ग्रीन होती हैं, मैनुफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस करती हैं, फूड मैनुफैक्चर करती हैं, जैसे कि इसमें हुआ टीनोस्पोरा में, ट्रापा यानी सिंघाड़ा में और ऑर्किड्स में. तो ये तीन एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें रूट कैसी हो जाती है? ग्रीन, और फोटोसिंथेसिस करती है. क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होंगे? या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे रूट्स जो हैं वो ग्रीन होकर फोटोसिंथेसिस करती हैं. तो उसमें तीन एग्जाम्पल हैं, ट्रापा, टीनोस्पोरा एंड ऑर्किड. या फिर ऑर्किड वगैरह का नाम देके या ट्रापा का नाम देके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रूट मॉडिफाई क्यों होती है. तो फॉर फूड स्टोरेज या फॉर फोटोसिंथेसिस. सम रूट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक राइजोफोरा. कभी कभी रूट क्या करती हैं? गैस का एक्सचेंज भी करती हैं, जैसे कि इस पौधे में करती हैं राइजोफोरा में.
इन पैरासिटिक प्लांट लाइक कसकटा, ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं मतलब ये होस्ट के ऊपर जाकर लाइफ को जीवन बिताते हैं, तो ऐसा प्लांट है कसकटा अमरबेल जिसको आप कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स पेनिट्रेट द होस्ट सिस्टम, इसमें जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं होस्ट की शरीर को पेनिट्रेट कर देती हैं, छेद कर देती हैं, भेद देती हैं एंड ऑप्टेन फूड एंड वाटर, और उस प्लांट से क्या करती हैं फूड और वाटर लेती रहती हैं। जैसे ये देखिए राइजोफोरा मैंने आपको यहाँ पे प्लांट दिखाया है, इसमें जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हुई हैं, ये आपको कसकटा शो किया गया है, इसमें जो रूट्स हैं वो बिल्कुल होस्ट के ऊपर लिपट गई हैं और इसके अंदर पेनिट्रेट करके इससे वाटर और फूड को एब्जॉर्ब कर रही हैं। नेक्स्ट सम टाइम रूट्स आल्सो टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कभी कभी रूट्स किस में जाती हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 10th क्लास का बेसिक टॉपिक है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, रूट से, स्टेम से, लीफ से। तो जब हम रूट की बात करते हैं तो रूट भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करती है, और ऐसा किस किस में होता है, स्वीट पटेटो में होता है। ये देखिए स्वीट पटेटो है, यहाँ पे आपको रूट्स दिखा रखे हैं, ये रूट्स जो हैं अगर इन रूट्स को काट कर हम जमीन के किसी दूसरे भाग में प्रत्यारोपित करें और वहाँ पे उसको कल्चर करवाएं तो वहाँ पर स्वीट पटेटो का नया प्लांट डेवलप होगा। दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स, एग्जाम्पल स्वीट पटेटो। और एरियल रूट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, जो एरियल रूट्स होती हैं हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसा किस में होता है ऑर्किड्स में। ये देखिए एरियल रूट्स हैं, ये दिख रही हैं आपको एरियल रूट्स, और ये क्या करती हैं वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रूट्स के ऊपर आते हैं कि रूट्स कितने प्रकार की होती है, रूट दो प्रकार की होती है, पहली होती है टैप रूट और दूसरी होती है एडवेंटेशियस रूट्स। तो ये देखिए टैप रूट मैंने डायग्राम में दिखाया है, वही प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टैप रूट सिस्टम। यहाँ पे एडवेंटेशियस इस तरीके से देखिए बिल्कुल, तो बेसिक ये जो डिफरेंस है टैप रूट और एडवेंटेशियस का वो ये है कि टैप रूट जो है वो रेडिकल से बनेगी और एडवेंटेशियस रूट रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी बनेगी इस तरीके से। पर फिर भी हम डिफरेंसेस को पूरा ऑल ओवर देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट्स के डिफरेंस, टैप रूट प्राइमरी होती है विच परसिस्ट थ्रूआउट द लाइफ ऑफ प्लांट, पूरी के पूरी प्लांट की लाइफ में प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो एडवेंटेशियस रूट्स हैं ये प्लांट के किसी भी भाग से डेवलप हो जाती हैं एक्सेप्ट रेडिकल इन इट्स डेरिवेटिव, और रेडिकल से डेवलप नहीं होती। टैप रूट हमेशा डाइकॉट्स में मिलेगी आपको, डाइकॉट का मतलब जिनमें दो कॉटलेडन होते हैं, और एडवेंटेशियस रूट्स आपको मोनोकॉट में मिलेगी, जैसे कि बाजरे में, गेहूं में, मक्के में, इनमें आपको सब में एडवेंटेशियस रूट्स देखने को मिलेंगे। जो टैप रूट है वो रेडिकल से डेवलप होगी जबकि एडवेंटेशियस रूट्स रेडिकल के अलावा किसी भी भाग से डेवलप हो जाएंगी। परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम, टैप रूट लाइफ टाइम प्रेजेंट होगी जबकि ये शॉर्ट लीव होती हैं एडवेंटेशियस रूट्स। और जो टैप रूट है वो बहुत अंदर तक जाती हैं सॉइल के अंदर, बहुत अंदर तक घुसकर ग्रोथ करती हैं, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यही कारण है कि अगर हम एक नीम के उसको मतलब पेड़ को उखाड़ना चाहें तो नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि उसकी रूट कैसी है, टैप रूट। और हम गेहूं और मक्के के पौधे को उखाड़ना चाहें तो आसानी से उखाड़ लेंगे क्योंकि उसके अंदर कौन सी रूट्स है, एडवेंटेशियस। मेन रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द लेटरल ब्रांचेस इंक्लूड सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स आर डेवलप, इसमें क्या होता है सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बनती हैं, जबकि एडवेंटेशियस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी की सारी रूट एक सिंगल पॉइंट से निकलती हैं मेन पॉइंट से। तो इस तरीके से कुछ बेसिक से डिफरेंस से मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स की बात करें कि टैप रूट किस किस रूप में मॉडिफाई होती है, तो पहला जो नाम है फ्यूजीफॉर्म रूट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर करते रहें। जो पहला जो टॉपिक है, पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है फ्यूजीफॉर्म रूट। क्या होती है ये रूट, द स्टोरेज रूट विच इज स्वोलन इन द मिडल पार्ट, ये रूट बीच में से तो फूल जाती है एंड टैपर्स टुवर्ड द बेस एंड अपेक्स, और बेस ये तो इसका बेस है और ये इसका अपेक्स है, यहाँ से ये बीच के कंपेयर में कैसी हो जाती है, टैप यानी पतली, एंड इट इज कॉल्ड फ्यूजीफॉर्म रूट, और ये फ्यूजीफॉर्म रूट कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है रेडिश यानी मूली, जिसका बॉटनिकल नेम है रेफेनस सेटाइवस। तो आपको याद रखना है फ्यूजीफॉर्म रूट किस में पाई जाती है, रेडिश में, और इसका बॉटनिकल नेम होता है रेफेनस सेटाइवस। नेक्स्ट है कॉनिकल रूट, द स्टोरेज रूट विच इज ब्रॉडर एट द बेस, ये बेस से तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, एंड ग्रेजुअली टैपर टुवर्ड द अपेक्स, और अपेक्स पे आते आते कैसी होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है, तब हम इसको कहते हैं कॉनिकल रूट। और इसका एग्जाम्पल होगा कैरेट यानी गाजर, और इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो होगा डॉकस कैरोटा। नेक्स्ट उसके बाद में नेपिफॉर्म रूट है, द स्टोरेज रूट विच इज स्वोलन ऑलमोस्ट स्फेरिकल, बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, बिल्कुल गोल होती है, एंड एब्रप्टली टैपर अराउंड द अपेक्स, और इसके अपेक्स तक आते आती है बिल्कुल एब्रप्टली, बहुत ज़्यादा टैप मतलब ये हो जाती है, छोटी हो जाती है या पतली हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं नेपिफॉर्म रूट। और इसका एग्जाम्पल है बीट यानी चुकुंदर, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो बीटा वल्गैरिस। नेक्स्ट फॉर रेस्पिरेशन, टैप रूट जो है रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई होती हैं,
प्लांट ग्रोविंग इन सलाइन स्वाम्प, सलाइन का मतलब जो कि मतलब साल्टी एरियाज है, मार्शी एरियाज जो दलदल के एरिया है, जहां पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट्स, यानी लवणीय पादप, लवणोद्भिद, जो साल्ट की प्रेजेंस में उगते हैं वो कहलाते हैं लवणोद्भिद, और इंग्लिश में इनको कहा जाता है हेलोफाइट्स। मैनी हेलोफाइट्स डेवलप स्पेशल काइंड ऑफ रूट, इनमें स्पेशल काइंड की रूट बनती है जिनको हम कहते हैं न्यू मेटोफोर। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेलोफाइट्स होते हैं उनकी रूट क्या कहलाती है, न्यू मेटोफोर्स। मार्शी एरियाज में पाए जाने वालों की रूट क्या कहलाती है, न्यू मेटोफोर्स। दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, जमीन के अंदर जाती हैं, जबकि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि रूट्स जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आ रही हैं, तो ये होती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये किस में हेल्प करती हैं, गैशियस एक्सचेंज में, क्योंकि दलदल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तो रूट सरफेस पर आकर वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करती है। एग्जाम्पल इसका जाएगा राइजोफोरा, तो जो निमेटोफोर्स हैं वो कौन से पौधे में बनती हैं, राइजोफोरा में। अभी जो आपको डायग्राम दिखाया वो राइजोफोरा का डायग्राम था। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस फ्रूट्स। अब हम एडवेंटेशियस फ्रूट्स के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन होगा वो होगा फेसिकुलेटेड ट्यूबर्स, यानी फेसिकुलेटेड ट्यूबर्स रूट का मतलब जो जगह जगह से फूली हुई है। अ क्लस्टर ऑफ एडवेंटेशियस फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट बिकम थिक, एडवेंटेशियस रूट्स बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, फ्लैशी, गुदेदार हो जाती हैं, ताकि उनके अंदर स्टोर किया जाए फूड को। दीज आर नोन एज फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, इनको फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट कहते हैं, एज देर आर मैनी ट्यूबरस रूट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो बेस से निकलती हैं स्टेम के। और एग्जाम्पल है इसका डहेलिया। तो ये जो आपको एग्जाम, ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें, ये वाला ये डहेलिया की रूट ट्यूबर्स हैं जो जगह जगह से फूल चुकी हैं और स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रही हैं। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट। दीज रूट्स नॉर्मली अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। ये देखिए स्टेम है, इसके लोअर नोड्स हैं और लोअर नोड से रूट्स निकली हैं, तो ये स्टिल्ट रूट है। एंड इन सम मोनोकॉट श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज, मोनोकॉट श्रब्स में बनेंगी या फिर स्मॉल ट्रीज में बनेंगी, दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड। ये देखिए ये जो ऑब्लिकली निकल रही हैं, ऑब्लिकली निकल के डाउनवर्ड जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, एंड पेनिट्रेट द सॉइल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सॉइल को पेनिट्रेट कर रही है, अंदर घुसकर छेद रही है उसको, और प्लांट को क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है खड़ा रहने में। ऐसा एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है आपको, शुगर केन में। नेक्स्ट उसके बाद में एपिफाइटिक रूट्स हैं। एपिफाइटिक का मतलब वो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हैं, दीज आर कॉल्ड एपिफाइटिक। जैसे कि मैंगो भी एक एपिफाइटिक ही है। सम प्लांट लाइक वेंडा, वेंडा जो है ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ द बिग ट्रीज, वो ब्रांचेस बिग ट्रीज के ब्रांचेस पर डेवलप होता है ताकि उसको सनलाइट मिलती रहे। सच प्लांट हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन फोटोसिंथेसिस, इनके प्लांट्स की ग्रीन लीव्स भी होती हैं और वो जो है फोटोसिंथेसिस भी करते रहते हैं। दीज प्लांट आर कॉल्ड एपिफाइट्स, इन प्लांट्स को हम एपिफाइट कहते हैं। दीज रूट्स, रूट की स्पेलिंग मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो दीज रूट्स हैव स्पेशल टिश्यू कॉल्ड वेलामेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिफाइटिक रूट्स के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वेलामेन टिश्यू पाया जाता है, और ये वेलामेन टिश्यू बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, आर्द्रता ग्राही होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड हैव पोरस वाल्स, इनकी वाल्स जो हैं वो पोरस होती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ वेलामेन टिश्यू दीज रूट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और वेलामेन टिश्यू के कारण ही ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। ऐसा एग्जांपल है वेंडा। तो इस तरीके से आज का जो ये वीडियो था यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। इसके आगे के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। Thank you.